अलगम जी आई होप यूर डोन गुड दिस इज एडवोकेट उस्मान एंडिंग द लॉ सेशन इन टेस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट एंड इज प्रोवाइडेडर आर्टिकल वन एटी एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल स्टेट द सुप्रीम कोर्ट शेल है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी सब्जेक्ट टू प्रोविजन्स अब यहाँ पे दो कंडीशन आगे लगा दी गई हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट या तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कोई लेजिस्लेशन करके सुप्रीम कोर्ट की इस रिव्यू की पावर को ख़त्म कर दिया जाए या उसमें कोई मोडिफ़केशन वगैरह कर दी जाए एंड ऑफ एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट की इस रिव्यू की जोरिस्डिक्शन को या तो ख़त्म कर दिया जाए या मोडिफिकेशन कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए अदरवाइज़ द सुप्रीम कोर्ट शेल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंसड और एनी ऑर्डर मेड बाई इट तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये एम्पल पावर है कि वो अपनी किसी भी दी गई हुई जजमेंट को रिव्यू कर सके या कोई भी उसने ऑर्डर पास किया है तो उसको रिव्यू कर सके अब ये जो रिव्यू की जो रिस्टिक्शन है अंडर आर्टिकल वन एटी नाइन इसको बहुत इस पर इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं कि ये इसमें स्कोप बहुत कम होता है बहुत नैरो बहुत लिमिटेड होता है कोई ऐसी अपरेंट एरर है कोई लॉ से रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड तो ही इसमें किसी किस्म का रिलीफ दिया जा सकता है इसमें दोबारा केस की पूरी रीहीयरिंग नहीं होती इसमें सिंपली आपको कोई एप्परेंट मिस्टेक एरर ऑफ लॉ और फैक्ट विच वॉज इग्नोर्ड अर्लियर उसका अगर कोई गलती वगैरह है तो ही इसमें रिव्यू जो रिस्ट्रिक्शन में कोई रिलीफ मिल सकता है अब इसमें अगर रिसेंट पास में देखें तो नवाज शरीफ साहब को ना किया गया उन्होंने रिव्यू फ़ाइल किया अब इसमें स्कोप लिमिटेड है वो डिसमिस फिर जहांगीर तरीन साहब ने इसी तरह फ़ाइल किया स्कोप लिमिटेड डिसमिस लेकिन एक एक्सेप्शन आई फिर वो था केस जस्टिस काजी फ़ायजीसा साहब का उस केस में जब रिव्यू फाइल किया गया तो जो जजमेंट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको टोटली रिवर्स कर दिया टोटल बदल दिया उसको ख़त्म कर दिया अब ये अब एक और डिबेट आ जाती है कि ऐसा कैसे किया गया मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ उससे एग्री नहीं करता हूँ स्कोप बहुत लिमिटेड था वहाँ पे लेकिन उसमें और बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व थे कोई जजेस रिटायर हो गए कुछ नए जजेस आ गए उनका डिफरेंट माइंड था बट एनी हाउ वो एक एक्सेप्शन है अदरवाइज रिव्यू में जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है और सेकेंडली इसमें सेकेंड रिव्यू पटिशन नहीं फाइल की जा सकती सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट एक ही दफ़ा रिव्यू फाइल किया जा सकता है ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बताया गया है उसके बाद दूसरा रिव्यू भी फाइल नहीं किया जा सकता इसके अगेंस्ट कोई रेमिडी नहीं है एक दफ़ा रिव्यू में कोई ऑर्डर आ गया हो तो थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर अल्लाह